हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंड्रियोडाइज में। जो भी हमारे सीएससी के भीएलई हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है आधार सेंटर को लेके। आप लोगों को पता है सीएससी के द्वारा आधार यूसीएल मिलता है, जिसमें सभी भीएलई आधार अपडेट का कार्य कर सकते हैं। मतलब वो आधार कार्ड में करेक्शन में, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, आपको एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि अपडेट का कार्य करते हैं, जो भी मतलब यूसीएल जिनको मिला हुआ। लेकिन अब सीएससी के द्वारा आधार कार्ड नया बनाने का भी काम मिलेगा, प्लस वो बायोमेट्रिक अपडेट भी कर सकते हैं, फोटो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये भी सर्विस आपको बहुत जल्द मिलने वाला है सीएससी के द्वारा। इसके रिगार्डिंग एक नया अपडेट भी आया है सभी के। आप अपने डीजी मेल में जाके जो आपको न्यूज लेटर आता है सीएससी का, उसमें देख सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ए टू जेड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको नया इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, उसमें क्या क्या आपको सर्विस रहेगा और कैसे आप काम स्टार्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं सीएससी का न्यूज लेटर ओपन किया हूँ। आज ही क्या है, आप लोग के पास भी ये न्यूज लेटर आया होगा। मैं इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सीएससी साइन एमयू विथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर द आधार इनरोलमेंट इन मध्य प्रदेश। मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फ्रेंड, जो भी नया इनरोलमेंट का कार्य स्टार्ट होने वाला है ये ओनली मध्य प्रदेश के लिए अभी चालू हुआ है, क्योंकि ये जो अभी एग्रीमेंट एमयू साइन हुआ है ये मध्य प्रदेश के चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ है, जिससे नया आधार सेंटर आपको मध्य प्रदेश के सभी सीएससी बीएलई वालों को मिलने वाला है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार हिंदी में कर लेते हैं और हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या आगे लिखा है, सीएससी एसपीसी ने मध्य प्रदेश में आधार नामांकन के लिए महिला एवं विकास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला एवं बाल विकास निदेशालय राज्य में आधार का रजिस्ट्रार है। सीएससी की सेवा में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा। सीएससी आधार केंद्र आधार के तहत नागरिकों के नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा एवं बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी अपडेट के लिए अपडेट सेंटर के रूप में भी कार्य करेंगे। फ्रेंड मतलब आपको ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि जो आधार सेंटर मिलेगा, जो इसका रजिस्ट्रार होगा, महिला एवं बाल विकास निदेशालय मध्य प्रदेश का, इसमें आपको नया आधार कार्ड बनाने के साथ साथ बायोमेट्रिक अपडेट और डेमोग्राफिक अपडेट सभी सुविधाएं आपको दी जाएगी। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी वो भी आगे दिया गया। देखिए, सीएससी के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएगी। एक में नया आधार नामांकन, मतलब नया आधार कार्ड बनेगा, उसके बाल और महिला नामांकन, बच्चों का भी और महिला का भी आधार कार्ड बनेगा। ई आधार प्रिंट कर सकते हैं, किसी के पास आधार कार्ड का कोई डिटेल नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा, तब भी आप आधार कार्ड उसका निकाल सकते हैं। यूसीएल मिलेगा, मतलब अपडेट क्लाइंट मिलेगा, जो अभी यूसीएल सीसी के द्वारा सभी वीएलई को मिला हुआ है, ये सर्विस भी आपको मिलेगा। उन्नत खोज, मतलब आप क्या होता है, डिटेल में कोई डिटेल नहीं है किसी भी कस्टमर का, तब भी उसका आपको डिटेल निकाल सकते हैं। आधार संख्या की डेटा अपडेट है, आधार बायोमेट्रिक अपडेट है, आधार सीडिंग है, मतलब एईपीएस है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ये सब सर्विस आपको इसमें मिलने वाला है। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आधार डेमोग्राफी अपडेट, डेटा अपडेट, आधार एडवांस सर्च वगैरह सब कुछ आपको ये सर्विस मिलने वाला है। ये ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है, बहुत जल्द ही जो भी हमारे मध्य प्रदेश के बिहेली भाई हैं उनको पूरी तरह से आधार सेंटर मिलने वाला है, जिसमें वो सभी काम है आधार से रिलेटेड कर सकेंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही सीएससी के रिगार्डिंग नए नए वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। धन्यवाद।